हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उससे ज़्यादा अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर में कुछ जो सीट, जहाँ पे दोस्तों बहुत कम है वहाँ पे सीट बढ़ाने को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रदर्शन हुआ है, यानी कि उसके तहत जो है बिहार बोर्ड द्वारा सीट बढ़ाने के अनुमति दोस्तों भेजा गया है शिक्षा बोर्ड को। तो उसी के बारे में दोस्तों बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिनसे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर नामांकन में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों की बड़ी मांग दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि इंटर में जो इस साल एडमिशन हो रहा है 2019 से लेकर 2021 के अंतर्गत, उसमें जो है दोस्तों बहुत सारा सीट जो है स्कूलों में कम है। तो उसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा एक जो है प्रस्तावन भेजा गया है सभी कुछ बोर्ड को वहाँ से, कि सीट बढ़ाने की मांग की जाए दोस्तों। बिहार बोर्ड इंटर नामांकन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल की मांग बढ़ी है, यह नामांकन के लिए ज़्यादा आवेदन आए हैं दोस्तों। जहाँ तक बात करें कि जहाँ पहले नामांकन के लिए जो भी एप्लीकेशन आते थे, यानी कि जो कम आते थे, लेकिन इस साल बहुत अधिक आए हुए हैं, यहाँ नामांकन के लिए ज़्यादा आवेदन आए हैं। इसके बाद ज़िले में 32 स्कूलों में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, इनमें शहरी क्षेत्र का एक भी स्कूल शामिल है दोस्तों। इसमें बता दें कि शहरी क्षेत्र के जो भी स्कूल है इसमें शामिल नहीं है, ओनली जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही यह स्कूल शामिल है। ये जो दोस्तों पटना के आसपास के जगह के यहाँ पर नाम बताया गया है दोस्तों। जिन स्कूलों में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है उनकी जांच पूरी कर ली गई है, जहां पे ये सीट बढ़ाने की मांग है दोस्तों वहां पे पूरी तरह जांच कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा दोस्तों निदेशक ने सभी DEO से 30 मई तक रिपोर्ट भेजने को कहा है दोस्तों। बिहार बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें सीट बढ़ाने को लेकर मांग किया था, उसके लिए दोस्तों एक पत्र लिखा था DEO से, और उसके लिए 30 मई को यह रिपोर्ट भेजने को कहा है दोस्तों कि क्या आगे सीट बढ़ेगा कि नहीं दोस्तों। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की मानो तो 32 में 8 ऐसे स्कूल है जहाँ पर कला और विज्ञान दोनों की संख्या में सीटें बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। यहाँ पटना में जो बताया गया है जिसमें से कुछ स्कूल है जहाँ पे जो है दोस्तों साइंस और आर्ट्स जो दोनों की सीट बढ़ाने की जो है दोस्तों गुजारिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा प्लस टू हाई स्कूल फतुहा में 176 और दोस्तों राज्यकृत महादेव उच्च माध्यमिक प्लस टू स्कूल खुसरूपुर में 160 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव बिहार बोर्ड ने भेजा है दोस्तों। इन स्कूलों में 200 से लगभग छात्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। DEO ज्योति कुमार के अनुसार विभाग में 40 स्कूल की सूची आई थी, रिपोर्ट विभाग को भेजा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी स्कूल में सीट कम है वहाँ पे सीट दोस्तों बढ़ाने के लिए DEO के पास एक पत्र लिखा गया था, उसकी जो है जांच पड़ताल करने के बाद दोस्तों 30 मई को वो इसका रिजल्ट आने वाला था। वो कब तक मतलब आने के बाद दोस्तों वो सीट उस स्कूल में बढ़ सकता है दोस्तों। बस दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करने बोलेगा। तो मिलते हैं इससे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, BSML, BFP। दोस्तों इंटर में जो भी एडमिशन होगा उसके लेकर सीट बढ़ाने को कहा गया है दोस्तों, और जो है इसका मेरिट लिस्ट जल्द ही आने वाला है, उसका भी वीडियो दोस्तों बहुत जल्द ही चैनल पर मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।